चलो वीडियो को लाइक करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल रीस्टार्ट विद हैप्पीनेस। तो जी, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। फ़ोन का कैमरा ऑन करती हूँ ना, तो वासू का हेलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ये सारी बातें स्टार्ट हो जाती हैं। और बड़ा ही क्यूट सा लगता है उसके मुंह से सुनना मुझे, और ये हो जाता है कि बच्चे ना कुछ नया सीख जाते हैं ना, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, इसने ना पेज पे लिखा है ज़ीरो और स्टैंडिंग लाइन बनाई है। पेज पे क्यों लिख रहा है ये भी आपको बाद में बताती हूँ। फिलहाल जो है ना, इसने ले रखा है अपने हाथ में पेचकस, क्योंकि इसका जो बड़ा भाई है ना, वो इसके रोबोट को अभी सही कर रहा था। पता नहीं इसमें क्या हो गया, सेल डालने पे भी चल नहीं रहा, तो इससे मैंने जो है ना ये पेचकस ले लिया है, नहीं तो इसने अपने आप को चोट लगा लेनी है। किचन भी मेरा मैसी हो रखा है, सिंक में पूरे बर्तन जो हैं वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, और ये टेबल भी पूरा खचा खच भरा हुआ है। यानी रूम और किचन दोनों की हालत ना इस समय खस्ता हो रखी है। तो यहाँ पे ना मैं वासु का बैग अरेंज कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से इसे पढ़ा रही हूँ। तो जी, मेरा बेटा जो है ना, वो अभी 3.25 साल के आसपास का है। तो ये मेरे पास ना पुरानी नर्सरी की बुक्स रखी हुई थी, तो मैंने इसी से इसको पढ़ाना शुरू कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक्स हैं, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं अगर शुरू से ही ध्यान लगाया जाए बच्चे का। और कागज़ पे आजकल इसको इसलिए दे रही हूँ काम करने के लिए, क्योंकि ना मैंने इसको 2-3 कॉपीज़ दी, इसने कोई वैल्यू नहीं समझी। ऑब्वियसली सी बात है, बच्चा छोटा है तो नहीं इसको समझ में आती, सारे बच्चे यही काम करते हैं। तो फिर ना मैंने अपना मोटिव बना लिया कि इसको मैं क्लास में कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा ना बिठाने की कोशिश करूँगी। और अब ना 2-3 दिन हो गए हैं इसने बैठना स्टार्ट कर दिया है, और इस तरीके से ना पेपर लेके मैंने ट्राई किया कि ये क्या करता है, तो इसने लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ज़ीरो और स्टैंडिंग लाइन बना रहा है और कोशिश कर रहा है। कोशिश करना जो है ना, कुछ ना करने से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, और मेरी कोशिश बिना जारी है कि वासु को इस तरीके से मैं बार बार जो है वो लिखवाती रहूं। बच्चों का ना माइंड बहुत कैची होता है छोटी उम्र से ही ना। बच्चों को आपने देखा होगा बहुत सारी पोएम्स याद होती हैं, पेरेंट्स जो हैं वो मोबाइल पे लगा लेते हैं। हालांकि मैं मोबाइल प्रेफर नहीं करती हूँ, और ना ही अपने बच्चे को मोबाइल देती हूँ, स्पीकर पर लगा देती हूँ या खुद ही गुनगुनाती रहती हूँ। तो बच्चे ना जल्दी सीख जाते हैं, पोएम सीख जाते हैं, ओरल सीख जाते हैं, बच्चों का माइंड कैची होता है। तो मैं इसी तरीके से ना अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ और लगी हुई हूँ, मेरी कोशिश भी जारी है। क्योंकि अभी कोशिश नहीं करेंगे ना, अभी ध्यान नहीं देंगे, तो फिर बच्चे का माइंड जो है ना वो ग्रोथ करता जाता है। सही टाइम पे बच्चे को सही एजुकेशन मिल जाए ना, तो बच्चा आगे बढ़ता है। अब मैं जैसे विलेज टाइप के एरिया में रहती हूँ, तो यहाँ के पेरेंट्स ना अपने बच्चों को 2.5 साल 3 साल पर नहीं भेजते स्कूल में, लेकिन जो शहरों के लोग होते हैं ना, वो अपने बच्चे को 2.5 साल पे 2 साल पे स्कूल या क्रच में भेजना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चों का माहौल वैसा बनता चला जाता है। और गांव के लोगों में क्या होता है कि 5-6 साल का बच्चा हो जाता है, फिर जाके स्कूल भेजते हैं, तब तक बच्चे का माइंड जो है ना वो ग्रोथ कर जाता है। तो वो उसको समझाना, उसको पढ़ाना ना थोड़ा सा ये होता है कि टाइम लग जाता है। पढ़ वो भी जाते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है और उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और कोई बात नहीं होती, बाकी अपनी अपनी सोच है। आप लोगों की क्या राय है इसमें, आप लोग भी मुझे बताइएगा। तो जी, फिलहाल जी ऊपर वाला बेड मैंने बना लिया है। जनरली मैं क्या करती हूँ, जब मैं स्कूल से आती हूँ ना, खाना पीना खाती हूँ, वासु को खिलाती हूँ, और जितने भी मेरे किचन के काम हैं जैसे बर्तन है या फिर काउंटर टॉप साफ़ करना है, ये मैं साथ के साथ कर देती हूँ, इनको मैं पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन आज जो है ना, मेरी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो रखी थी। स्कूल में ही मन कर रहा था कि उल्टी आ रही है, लेकिन उल्टी आ भी नहीं रही थी। अब उस कंडीशन में ना, मतलब ये हो रहा था कि मैं कहाँ चली जाऊँ, कुछ मन नहीं कर रहा था, कुछ मन नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा पहले मैं रेस्ट करती हूँ, क्या पता रेस्ट करने से ना ठीक हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, नींद पूरी नहीं होती तो फिर खाना जो है ना वो पच नहीं पाता। हालांकि मैंने 2 ही रोटी खाई थी, लेकिन जो है ना मेरा खाना पचा नहीं होगा, इस वजह से ऐसा हो गया होगा। तो मेरा रेस्ट करना या ना करना ना बराबर ही हुआ, क्योंकि वासु सोया नहीं था। फिर जो है ना मेरी जेठानी जी का लड़का आया, तो दोनों ने खूब उधम मचाया। हालांकि मेरी जेठानी जी का जो लड़का है ना, वो 15-16 साल का है, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और उतना ही ना आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं। तो ये जो सारे कपड़े आप देख रहे हो ना, ये सारे कपड़े धुलने वाले हैं, तो सोच रही हूँ कि अभी धुल लेती हूँ, और साथ ही साथ ना डस्टिंग के काम भी निपटाती जा रही हूँ।
जिस हिसाब से समय मिलता ना उस हिसाब से मैं अपने काम करती रहती हूँ। और क्लीनिंग में ना मैं हमेशा एक ही रूल फॉलो करती हूँ कि किसी भी सामान को ना मैं उतना ज़्यादा गंदा होने नहीं देती कि बाद में ना मुझे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे या बहुत ज़्यादा मेहनत लगे। टाइम को मैनेज करती हूँ, अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ, उस हिसाब से ना मैं अपने घर को, स्कूल को, बच्चे को ना मैनेज कर लेती हूँ। और इन कामों में ना मेरा मन भी लगता है, और जब मन लगता है ना तो काम फटाफट होने लगते हैं। और बाकी जो खेल होता है ना वो हमारे माइंड का ही होता है। हम कितना ही थके हों, हम कितना ही परेशान क्यों ना हों, लेकिन अगर हमारा माइंड कहता है ना कि हमें ये काम करने हैं तो हमारी बॉडी जो है ना वो खुद ब खुद लग जाती है इन कामों को करने के लिए। तो मेरा तो यही मानना है कि सारा खेल माइंड का है। समय चाहे कोई भी हो, सुबह हो या शाम, काम हम निपटा सकते हैं। और रूम और किचन से भी झाड़ू मैंने लगा लिया है। हालांकि सुबह मैं सारी सफाई करती हूँ, लेकिन ना आज साथ वाला एक मकान बन रहा है, तो जब मकान की छत बनती है ना तो लड्डू बांटे जाते हैं। हर जगह ये रिवाज होता है ना। तो बच्चों ने ना लड्डू खाया और उसका छिलका भी वहीं गिरा दिया, थोड़ा बहुत लड्डू भी गिराया। तो फिर मैंने जो है ना लगे हाथ पूरा जो है रूम और किचन साफ़ कर लिया है। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया कि जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ उसी में स्कूल भी है, तो इसी में मैं रहती भी हूँ, इसी में मैं पढ़ाती भी हूँ, तो मुझे ना स्पेशली कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता पढ़ाने के लिए। तो अब मैं बाहर के काम निपटा के आ गई हूँ किचन में, तो मैंने सोचा पहले बर्तन कर लेती हूँ, कपड़ों का देखते हैं। अभी कुछ सोचा नहीं है ज़्यादा कि क्या करना है, अभी जो है ना मैं बर्तन ही साफ़ कर रही हूँ। और वासु जो है ना वो गया हुआ है साथ वाले घर में, वहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते तो उन सब के साथ खेल रहा है। तो मैंने सोचा चाय क्या ही बनाऊँ अकेले, क्योंकि जब मैं चाय बनाती हूँ तो उसका मिल्क बनाती हूँ, वो मिल्क इंजॉय करता है और चाय तो कंपनी में ही अच्छी लगती है। तो मैंने ना एक गुलाब जामुन ले लिया, थोड़ा पानी पी रही हूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। तो अब जो है ना फिर बाकी काम जो मेरे पेंडिंग है वो मैं कर रही हूँ। तो कपड़े धोने आ गई हूँ, कपड़े धोने वाला काम निपट जाता है ना तो काफ़ी हद तक काम जो है ना वो कम हो जाता है। मैं सारे कपड़े हाथ से ही धुलती हूँ, बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया भी है कि क्यों हाथ से धुलती हूँ। वो कहते हैं ना हालात कभी एक जैसे से नहीं रहते हैं, और लाइफ किसी की कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन परफेक्ट हम बना सकते हैं अपनी सोच से। और कभी कभी हालात के साथ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और परिस्थितियों के अनुकूल ढलना पड़ता है। तो बस वही कंडीशन हो रखी है। और जी कपड़े मैं धुल रही हूँ इस तरीके से ना, नीचे बड़ा कपड़ा कोई भी मैं बिछा लेती हूँ और फिर कपड़े जो है ना वो धुलना स्टार्ट करती हूँ। मेरी मम्मी हमेशा इसी तरीके से धुलती थी तो मैं भी धुलती हूँ। कहती हैं कि थोड़ा सा जो साबुन जा रहा है ना इधर उधर वो कपड़ों पे ही जाएगा, जो ब्रश आप लगा रहे हो वो नीचे वाले कपड़ों पे भी लगेगा ना, तो थोड़ा ये होगा कि एक पोर्शन बेडशीट का या कोई भी कपड़ा ना वो आपका साथ के साथ भी साफ़ होता चला जाएगा। तो जी अभी जो है ना 7:45 का टाइम हो रहा है और 1.5 घंटे के अंदर मैंने झाड़ू लगा लिया, कपड़े धुल लिए और बर्तन साफ़ कर लिए, रूम और किचन सेट कर लिया। तो बहुत सारा काम जो है ना वो मेरा टाइम से निपट गया है, ये अच्छी बात हो गई है। और जी अब जो है ना पूजा का टाइम भी हो गया है, तो मैंने शाम की दियाबाती कर ली है। वासु जो है ना वो आ चुका है, इसको मैं लेके बैठी हूँ, अब 1 घंटा लेके बैठूँगी इसको ताकि ये जो है ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश नहीं करेंगे ना और हम बच्चे से उम्मीद रखें कि वो जो है ना स्कूल में जाएगा, बड़ा हो जाएगा तभी जो है ना वो काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। कोशिश करते रहो। घर पे सारे पेरेंट्स को ना अपने बच्चों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो 1 घंटा मैं इसको देती हूँ ना, लेकिन ये 1 घंटे में से आधा घंटा ही जो है ना वो ठीक ठाक बैठ के पढ़ता है, बाकी के टेंट्रम दिखाता है। और खाने का जो है ना अभी कोई प्लान नहीं है, बच्चा आया हुआ है तो सोच रहे हैं कि कुछ ना अच्छा बना लिया जाए। तो यहाँ पर देखो इसने ना अपना पूरा होमवर्क कर लिया है। तो मटर मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मशरूम मटर बन जाए या फिर पनीर मटर बन जाए। तो मशरूम तो हस्बैंड को कहीं मिला नहीं, तो ये हुआ है कि पनीर मटर ही बनेगा। और वासु मेरी हेल्प कर रहा है। वैसे मेरा बच्चा ना बहुत ज़्यादा शरारती नोटी है, तो मैं ना उसे अपने कामों के साथ ही लगवा लेती हूँ। तो ये होता है कि मेरे साथ लगा रहता है ना, मेरी आँखों के सामने मेरे साथ काम कर रहा होता है, तो इधर उधर की चीज़ें नहीं बिखराता। नहीं तो ये ना कभी लिपस्टिक ख़राब करता है, कभी सैनिटाइज़र ख़राब करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ना चीज़ें इसके पास आ जाती हैं। और जी मैं आ गई हूँ किचन में, तो कुछ सामान मैंने मंगाया है। टमाटर ख़त्म हो रखे थे, थोड़ी बहुत नमकीन आई है, और बच्चों का ना मन हो रहा है कि वो चिप्स खाएंगे और थोड़ी थोड़ी चाय पी जाएगी। हालांकि टाइम जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर हो गया है, लेकिन ये हो रहा है कि चलो बच्चों का मन है तो थोड़ा बना दिया जाए। वासु भी कह रहा है मम्मा मैं दूध पीऊँगा, तो साथ के साथ वो भी दूध पी लेगा, हम लोग भी थोड़ी थोड़ी चाय पी लेंगे। तो ये है कि खाना अभी बनने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा।
आधे घंटे का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ना नमकीन मैंने डिब्बे में पॉलिथीन के साथ ही रख दी है। ऐसा क्यों करती हूँ, क्योंकि वासु की नज़र पड़ती है ना, तो वासु सिर्फ फिर इसे ही खाना चाहता है, और बहुत सारे बच्चे ना फिर ये जंक फूड ही खाना चाहते हैं। इस तरीके से नमकीन खा लेंगे, कुछ और खा लेंगे, तो फिर वो डिनर स्किप कर देते हैं, या फिर दाल चावल रोटी खाना ना पसंद नहीं करते हैं जब तक ये ख़त्म ना यहाँ कर पे ले। अब मैं चिप्स फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ ना चाय बन रही है। तो आजकल जो मैं वासु को क्लास में बिठा पा रही हूँ ना, वो मेन रीज़न जो है ना वो खाने से ही जुड़ा हुआ है। तो मैं ना उसके टिफ़िन में रोटी सब्जी के साथ साथ ना कुछ ऐसा स्नैक रख देती हूँ, जिसकी वजह से ना जो है वो बैठ जाता है, और उसको अच्छा लगता है कि मैं ना स्कूल में कुछ अच्छा सा लेके जा रहा हूँ, कुछ यूनिक लेके जा रहा हूँ, तो उसको बड़ा मज़ा आता है। तो बच्चों को ना खाने पीने की चीज़ों के साथ जोड़ दिया जाए, कभी उनके मकीन्स बना दिए, घर पे ही कुछ ना कुछ बना दिए ना, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और उनका ना हर चीज़ में फिर मन भी लग जाता है जब उनको खाने की अच्छी चीज़ मिलती है। इधर आना मोटू, इधर आना। हाय हाय, तू मोटा किन्ना हो गया। चाय नाश्ता तो सबका हो चुका है, और वासु ने खूब मस्ती भी लगाई। भैया इतना पतलू सुकड़ू सा है, उसको बार बार कह रहा है हाय हाय तू मोटा किन्ना हो गया। तो जी चाय जब बना रही थी ना, तब प्याज मैंने कट कर ली थी, पनीर यहाँ पे काट लिया, मटर पनीर की सब्जी बन रही है। तो यहाँ पे ना मैंने कुकर लिया है, और कुकर में झटपट बन के तैयार हो जाती है सब्जी। कुछ खड़े मसाले लिए हैं, दो तेज़पत्ता है, दो लौंग है, एक बड़ी इलायची है। छोटी इलायची मेरे पास नहीं है, वो मैंने नहीं डाली, नहीं तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़े प्याज लिए हैं यहाँ पर, छोटे छोटे थे तो 5-6 ले लिए हैं। ग्रेवी अच्छी खासी बन जाएगी इसकी। और साथ में ना मैंने मिक्सी में टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको पीस लूँगी, तो जो मसाले हैं ना वो भी अच्छे तरीके से फूल जाएंगे। और जी ये प्याज जब तक हो रहे हैं, तो साइड में मैंने ये पनीर भी रखा हुआ है फ्राई होने के लिए। और ये देखिए प्याज जो है ना वो हो चुके हैं, और साथ ही साथ मैंने इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया है, और ये जो मसाला है जो मैंने पीसा है मिक्सी में, इसको ऐड कर दिया है। अब जो है ना इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, 2-3 सीटी लगवाने वाली हूँ, तो ये झटपट मसाला बन के तैयार हो जाएगा। अब मैंने इसको खोला है ना, तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, पानी थोड़ा ज़्यादा है, मसाले ने तेल अच्छे से छोड़ा नहीं है अभी, तो 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी, तब तक जो है ना मसाला अच्छे से तेल छोड़ देगा और अच्छे से बन जाएगा, तब इसमें बाकी की सारी चीज़ें ऐड करूँगी। साथ के साथ ना आटा भी लगाती जा रही हूँ, और जी आटा रेस्ट करता ना तो रोटियां ज़्यादा अच्छी बनती हैं। अब ये देखिए मसाले ने तेल अच्छे से छोड़ दिया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ मटर, और मटर डालने के बाद ना थोड़ा सा पानी, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको भी 2-3 सीटी लगवा लूँगी, तो मटर भी ना झटपट हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा सब्जी में, बहुत कम टाइम लगता है कुकर में बनाने में, और सब्जी टेस्टी भी और झटपट बन के तैयार हो जाती है। और जी अब जो है ना हस्बैंड भी आ चुके हैं, और सब्जी जो है ना वो ऑलमोस्ट हो ही गई है, बस पनीर ऐड करना बाकी है। तो मैं जो हूँ सारी रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि सबका प्लान है कि साथ में इकट्ठे बैठ के खाया जाएगा, उसका अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे मैं सारी रोटियाँ बना रही हूँ, और साथ ही साथ ना मैं चावल भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि इन सबका मन हो रहा है कि चावल भी पनीर के साथ खाया जाएगा। अब कुकर खोला है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया पनीर, और अब जी जाएगा इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कम मसाले वाली सब्जी बना रही हूँ। और साथ के साथ ना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से सब्जी का टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है, लाजवाब आता है। कम समय में झटपट सब्जी जो है ना बन के लाजवाब सी तैयार हो गई है, सबको बहुत पसंद आई। सबका प्लान था कि साथ में बैठ के खाया जाएगा, लेकिन वास्तु जो है ना मस्ती करता, किसी को खाना खाने नहीं दे रहा था अच्छे से, तो मैं थोड़ा देर रुक गई, तो खाना मैंने जो है ना अब खाया है।
और खाना पीना अब सबका निपट चुका है, तो मैं आ गई हूँ किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। तो रोज़ रात को ना इसी तरीके से साफ़ सफाई मैं करके ही सोती हूँ, ताकि अगली सुबह जो है ना वो मेरी फ्रेश रहे और मुझे किसी भी तरह का ना किचन में मैस ना मिले। तो मैं सारी चीज़ें रात में ही पहले से करके सोती हूँ, तो सारे बर्तन जो है ना वो मैंने धुल लिए हैं, किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। और टाइम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, टाइम जो है ना वो अभी लगभग 11 बजने वाले हैं और आज आधा घंटा लेट चल रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन सारे काम जो है ना वो निपट गए हैं, लाइट ऑफ करते हैं। और हाँ, फेस वॉश करना रह गया, अभी कपड़े चेंज करने रह गए हैं। और जी, रूम में आई हूँ तो ये लोग अपने फ़ोन के साथ कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे कल की तैयारी मैंने कर ली है, कुछ कपड़े ऐसे निकाले हैं जो मुझे प्रेस नहीं करने हैं, बच्चों ने खूब सामान जो है ना वो इधर उधर फैलाया हुआ है, इसको सेट कर रही हूँ। और जी, व्लॉग को इसी के साथ एंड कर रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा, साथ ही साथ अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।